हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमबीज ऑफ्स ऑफिशियल। फ्रेंड्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो मई में शुरू होने वाले हैं और बहुत ही कम समय बचा हुआ है अब हमारे पास। आज मैं जो वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, इसमें हम लोग 2017 के बीएड साइंस के पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही कम समय बचा है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सो फ्रेंड्स, आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनके आंसर्स भी आपको बताएंगे। सो आप उनके आंसर्स को ज़रूर याद रखें, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि हर साल कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ज़रूर से कर लें। रीज़न ये है कि रोज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट के हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के हो, उनके वीडियोज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स के हम लोग अपलोड करने वाले हैं विद आंसर। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहें और नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 2017 का ये पेपर है, बीएड साइंस का, कोड नंबर 565 है। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जैसा कि हर एग्ज़ाम में दिया जाता है, तो आप ये ज़रूर से पढ़ लीजिएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिया गया है और उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। आफ्टर इट हम लोगों को के पास एक रफ पेज आएगा जो पेज नंबर 2 होगा। इसके बाद आता है यहाँ से जो मेन चीज़ आपको पढ़ना है। अगर हम टाइम स्लॉट की बात करें तो ढाई घंटे टाइम स्लॉट है। मार्क्स की बात करें तो 300। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, जो नोट्स लिखा हुआ कह रहा है कि दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेंस 100 क्वेश्चन इन ऑल 13 सेक्शन एंड 17 सेक्शन बी, मतलब दो सेक्शन में है, 30 सेक्शन ए में होगा और 30 क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में होगा। और उसके बाद कह रहा है कि जितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं आप अटैम्प्ट करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, एक जो है कि गलती पर आपका एक मार्क कटेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं। अब अगर ये नोटिफिकेशन, ये नोट आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप हिंदी को प्रेफर कीजिए, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये 3 अंकों का हो गया। इसके बाद अब आगे बात किया जाए, सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन इसका है वो ये है कि कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 4th होगा, पढ़ाने की विधि। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय मानते हैं, तो इसका जो आंसर जो होगा वो समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के अनुसार व्यापक का अर्थ है, तो व्यापक का जो अर्थ होगा वो होगा इसका सेकंड वाला होगा वो उसका अर्थ होगा। मैं थोड़ा पेंसिल को और छोटा कर लेता हूँ ताकि, बहुत बड़ा है ये, कम से कम इसको यहाँ तक कर लिया जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन एक प्रभावशाली अध्यापक है, तो चौथा आंसर है जो विषय वस्तु को बोधगम्य बनाता हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, कह रहा है कि शिक्षण को कैसा होना चाहिए, तो शिक्षण को होना चाहिए बाल केंद्रित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा में अचानक एक छात्र आवाज़ निकालता है, आप क्या करेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ज़्यादा आवाज़ निकालने लगे तो फिर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसके 100 क्वेश्चन हैं, मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। सो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखते रहें और उसके आंसर्स को याद करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह है छात्र की सीखने की इच्छा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। 8वां क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक की कक्षा में अधिकांश छात्र अपनी पढ़ाई में कमज़ोर हों तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने शिक्षण की गति को धीमा कर कुशाग्र छात्रों को कुछ अतिरिक्त निर्देशन प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो कह रहा है, यदि एक अध्यापक को कक्षा में छात्र की सहभागिता बढ़ानी हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 वाला काम, उसे विषय वस्तु पर वाद विवाद कराना चाहिए। वाद विवाद का मतलब होता है डिबेट कराना चाहिए, जो भी आप पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा की जाती है वो आपके निष्पक्ष रवैये की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है ये सेकंड वाला 2012 तक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ये आपका प्रकाशित हुआ था 1993 में। एनसीएफ 2005 के कितने पाठ्यक्रम क्षेत्र हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन वो ये है वो सही है, ऑप्शन नंबर 3। इसमें टोटल 21 सर्कुलर एरियाज थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 14 का। कह रहा है कि एकलव्य संस्थान ने प्राथमिक शिक्षा का एक अलग प्रकार के उपागम का विकास किया है, कहाँ किया है इस बारे में हमें बात बताना है। तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। 2017 वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन कांग्रेस की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, हालांकि 2017 का था। तो ये उस समय जो हुआ था ये कनाडा ने किया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका मैं हिंदी वर्जन है अगले नेक्स्ट पेज पे, मैं वहाँ आपको बताता हूँ, आप उसे देखिए। ये रहा, श्रीलंका ने अभी हाल ही में पेरू नाम की वेबसाइट का आरंभ बच्चों में सामंजस्य स्थापन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु किया। पेरू का फुल फॉर्म क्या है? तो जो पेरू का फुल फॉर्म है वो है 4th वाला, पीस एजुकेशन एंड रीएक्सलेशन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो कौन से प्रदेश की सरकार ने अपने संस्थानों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान की है? तो वो है आपका बिहार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो विश्व अध्यापक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर नंबर जो होगा वो 4 होगा। उसके बाद हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ NCERT की अगर हम बात करें तो डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति उस समय थे जो है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। कह रहा है कि किस प्रदेश में सरकार ने कक्षा 8 तक की सभी कक्षाओं को संस्कृत में अनिवार्य कर दिया है? उस समय ऐसा हुआ था, तो ये जो घटना हुआ था वो हुआ था असम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो 21 जो क्वेश्चन है वो ये है कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, बस की दिशा में चल रहा है। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप पहले अपने से सॉल्व करें और उसके बाद, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं और इसके लिए मैं अलग से वीडियोज़ भी बना रहा हूं, आप वहां ज़रूर जाके इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज यहां पे बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मुश्किल हो रहा है बिकॉज मैं इस क्वेश्चन में केवल आंसर्स बता रहा हूं और इसके जो सोल्यूशन है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, आप वहां ज़रूर से इसको देखिए। आप इसको एक बार ज़रूर सॉल्व करिए अपने से, और उसके बाद नहीं हो पाता है तो उसके बाद आप वहां से उसको देखकर सीख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 4th होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें
तो द क्वेश्चन नंबर 22 इज, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध बनेगा? तो वो ए का जो ई से संबंध बनेगा बड़ा ही अच्छा संबंध बनेगा दादाजी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पी की आयु क्यू के बराबर है, आर से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो है आपका एस। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, इस तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी बोधगम्यता की जांच होगी कि आप किस तरीके की बोधगम्य को रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पेयर को ओ सी एल वी लिखा जाए तो टाउन को क्या लिखा जाएगा? आप इसको भी देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट। आफ्टर इट अंग्रेजी शब्द को के अनुसार निम्न से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा? इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है, द सेवंथ डे ऑफ अ मंथ इज थ्री डेज अर्लियर देन फ्राइडे, व्हाट द डे विल इट बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ? तो सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आफ्टर इट वी हैव टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 की कौन दिन था? तो जो उस दिन रहा होगा वो रहेगा आपका रविवार, छुट्टी वाला दिन रहेगा। उसके बाद यदि आप 100 तक के अंकों को लिखेंगे तो उसमें आप कितनी बार 3 अंक को लिखेंगे? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 3 करेक्ट होगा। इसके बाद अगला है कि अ ब से 3 वर्ष बड़ा है और स से 3 वर्ष छोटा है, जबकि ब और द जुड़वे हैं, मतलब इनकी उम्र बराबर होगी, स द से कितने वर्ष बड़ा है? तो इस तरह के भी क्वेश्चन से आपको रूबरू होना पड़ेगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम आगे बात करें तो सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ ब से 3 गुना बड़ा है, स अ से 4 साल पहले 2 गुना बड़ा था, 4 वर्ष में अ 3 वर्ष 31 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान समय में और स की आयु क्या होगी? तो वो 9 और 50 होगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कवर किया। इसमें आपको कुछ जो है कि चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, उसके साथ साथ आपको रीजनिंग भी देखने को मिला है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर जो क्वेश्चन आपको आता है ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आता है देन आप उस क्वेश्चन को लीव कर दीजिएगा, उस पर कोई भी जो है कि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपका कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है कि किसकी पत्तियों में धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा आपका पाइनस। उसके बाद है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ घटित होता है, तो ग्लाइकोलिसिस होता है कोशिकाद्रव में। प्रकाश संश्लेषण में के समय कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभाव डालता है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लाल। इसके बाद है कि बिना निषेचन हुए फलों का बनना कहलाता है, तो बिना निषेचन हुए फलों का जो बनना है वो कहलाता है ये पार्थेनोकॉर्पी। इसके बाद हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन है कि पंखयुक्त पराकड़ किसमें पाए जाते हैं, तो पंखयुक्त पराकड़ आपके पाइनस में पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है आलू में लगने वाले लेट ब्लाइट बीमारी किसके कारण होती है, तो ये होती है आपके फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंट के कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो एक कोलकिसिन का प्रयोग किसके बनाने हेतु किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके बहुगुणित। उसके बाद पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण है तो आपका कसकुटा ये है। फिर उसके बाद सरसीनो प्रकार का बीजांड किसमें मिलता है, ये आपका मिलता है नागफनी में। इसके बाद इंडोल एसिटिक अम्ल का पुरोगामी है वो है आपका ट्रिप्टोफैन।
फ्रेंड्स मैं थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ बिकॉज मैं क्वेश्चन और आंसर ही बताना है। जितना जल्दी जितने वीडियोस जितने क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर सकते हैं जितने क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इस ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो उसका अंतिम उत्पाद होता है आपका पैरविक अम्ल। उसके बाद किसके निक्षेपण के कारण कार्क अपारगम्य होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो है सुबेरीन। कॉफ़ी प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली, कॉफ़ी का पौधा किस कुल का है? तो वो है आपका रूबिएसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेंगू फीवर इज, तो डेंगू फीवर के लिए कौन सा इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है आपका एडीज इजिप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन जिसका है बच्चों के पोषण के लिए क्रॉप मिल्क किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपके ये ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों जो था सही होगा। फिर है कि मनुष्य के बकल कैविटी के दीवार में पाया जाने वाला इपिथियलल उतक ये कौन सा भाई है? अब इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद अ वाइटल टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो द डिजीज विल बी टाइफाइड। आफ्टर इट वी हैव टू मूव द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज 49 वर्ल्ड्स एड्स डे इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर। विश्व एड्स दिवस, तो ये विश्व एड्स दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपके 1 दिसंबर के लिए है। तालबंद घटना जो प्रत्येक 24 घंटे में होता है तो इसको हम बोलते हैं सर्केडियन तालबंद। इक्थोफ्यूस निम्न है, तो ये है आपका एक उभयचर एक एम्फीबियन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, निम्नलिखित किसका श्वसन अंग बुक लंग्स है? तो ये है आपका बिच्छू का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्लूकोजेनेसिस निम्नलिखित में से किस से ग्लूकोज बनाने की एक प्रक्रिया है? वो है आपका वसा और प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर फिश है, देखिए ऑर्थोपॉड है। इसके बाद है नेमोटिसिस्ट आर फाउंड इन, ये पाया जाता है कहाँ पे? ये पाया जाता है आपका कोलेनट्रेटा में। ये साइंस का पेपर है, बीएड साइंस का। अभी इसके बाद मैं बीएड मैथ्स भी बनाने वाला हूँ। इसके बाद है क्रेब चक्र किस में घटित होता है? तो क्रेब चक्र घटित होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड होती है? तो एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड होता है। फिर कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है? तो ये प्रसारित होता है आपका सैंड फ्लाई के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 तक हम लोग आ चुके हैं। करेंगे निम्नलिखित एक जटिल अणु है जिसमें जेनेटिक सूचना निहित होती है? तो जेनेटिक सूचना निहित होता है आपका डीएनए में, ये सर्व ज्ञान है। और उसके बाद बहु प्रयुक्त किंतु विवादास्पद सुगंधवर्धक है? तो ये आपका है ये चीज़ ग्लूटामेट। उसके बाद ताड़ का तेल निम्नलिखित का स्रोत है? तो ये है आपका साहब जो है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है कि मुख के कोनों को फटने के लिए प्रयुक्त वैज्ञानिक शब्द, मुख के अगर कोने फट रहे हैं तो उसके लिए क्या वैज्ञानिक शब्द है? तो वैज्ञानिक शब्द है आपका एंगुलर स्टोमेटाइटिस। फिर अंगोरा ऊन निम्नलिखित में किसके बालों से बनती है? तो अंगोरा जो ऊन है वो बनता है बकरी से। फिर डैनियर शब्द निम्नलिखित में से किसकी सामर्थ्य हेतु प्रयुक्त होता है? तो वो होता है तंतु के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 65 है कि एकमात्र तंतु जिसमें सल्फर होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक प्रकार निम्नलिखित में से सूचित कर होता है? ये है आपका ऑप्शन नंबर 2।
जीनोटाइप, उसके बाद एड्स का पूर्ण रूप है तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 68। एक जेब्रा कालीन पर हल्की व गाढ़ी धारियां उत्पन्न करती हैं, तो ये उत्पन्न करती हैं लय। उसके बाद है बटिक प्रिंटिंग का निम्नलिखित स्थान से उद्भव हुआ, तो वो ये है आपका जावा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, विद्युत प्रतिरोध मापने की जो इकाई है वो है आपका ओम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंप्लीट पाथ थ्रू विच द करंट ट्रेवल्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू द ऑफ जनरेटर टू द अदर इज नोन एज क्लोज्ड सर्किट। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत अप्रोच है, तो व्यक्तिगत अप्रोच के लिए आप अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 भाषण, इस समय भाषणों का दौर ही चल रहा है। ट्रिटियम हाइड्रोजन 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका जो अर्धायु दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि 48 मिलीग्राम का निकालने के लिए, ट्राइटियम का इतने साल मतलब 14.9 वर्ष बाद वो कितना बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 74 का। सबसे अधिक क्वथनांक की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक क्वथनांक जो होगा वो होगा आपका H2O का। उसके बाद 75 की अगर बात करें, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड ए विद बेस बी इतना है, तो यहाँ पर जो तथ्य मिलकर के आता है वो मिल के आता है कि ए स्ट्रॉन्ग है और बी भी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम बात करते हैं 76 ये कहता है कि किसी उष्मा इंजन की 400 केल्विन और 300 केल्विन के बीच दक्षता होगी, तो जो दक्षता होगा वो होगा आपका 0.25। 8 ग्राम मेथेन 2 ग्राम तथा हाइड्रोजन को मिलाकर इतना ग्राम मीटर दबाव पर जो और इतने केल्विन ताप पर रख दिया गया मिश्रण का कुल आयतन होगा। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 78 की बात करें तो श्यानता सबसे अधिक है, श्यानता जो सबसे अधिक है वो है ग्लिसरीन का, इन सब में ग्लिसरीन का सबसे अधिक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट 79 है कि अनुचुंबकीय किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वो होता है अनुचुंबकीयता किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। इसका ऑप्शन 2 वो करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करते हैं जब कोई तरल पदार्थ उबलता है तो उसका वाष्प दबाव समान हो जाता है किसके, तो उसका वाष्प दबाव समान हो जाता है वायुमंडलीय दाब के, एक वायुमंडलीय दाब के। फिर केपी और केसी समान होगा, केपी और केसी समान निकालने का आएगा, तो यहाँ पे 81 का 3 आंसर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82, वितरण नियम के अध्ययन में दोनों विलायक होने चाहिए। अगर आप वितरण नियम का अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो साहब आपको सब पढ़ना पड़ेगा सब। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, किसी एक घटक पद्धति में 3 पदार्थों के समुदाय के बिंदु पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होती है, अगर ये चीज़ आपको निकालना है तो इसका जो आंसर निकालने के बाद आएगा वो आएगा 0। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन किसी रासायनिक क्रिया की गति को प्रभावित नहीं करता, तो जो प्रभावित नहीं करता है वो है किसी रासायनिक अभिक्रिया की एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर 1। आफ्टर इट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे आयंस दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसमें कौन सा आयन सबसे अधिक है, तो जो सबसे अधिक आयन की अगर हम बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, लेड 4 है वो। फिर कह रहा है जब सोडियम एसिटेट और एसिडिक एसिड के समान मोलैरिटी के मिश्रण में थोड़ी मात्रा का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो पीएच का मान क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा उस कंडीशन में, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो वो वही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक जो है कि सर्किट बनाया गया है और सर्किट के बाद आपको कह रहा है इसकी कैपेसिटेंसी निकालिए,
तो जब इसका कैपेसिटेंस से आप निकालेंगे तो उस कंडीशन में जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5.3 माइक्रोन फोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 88 करा कि एंटर के कुंडली की ओर से टी समय में चुंबकीय प्रेरण का फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे सीधे फार्मूला पूछा गया है। तो ये फार्मूला पूछा गया, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से फिजिक्स पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन नंबर 3 ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 एक न्यूमेरिकल है जो कि आपके कैपेसिटर से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा 0.50 एम्पियर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 90 है। कह रहा है कि एक सीरीज एलसीआर परिपथ में जोड़ी गई है और इसमें नियत अनुनाद आवृत्ति के लिए अनुनाद तीक्ष्णता बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें कि प्रकाश तरंगों के वर्तीकरण की स्थिति में निम्न में से गलत विवरण को चिन्हित करें। तो इसमें 3 सही होगा, 1 गलत होगा। जो गलत है उसी को आपको चिन्हित करना है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 आप चिन्हित कर दीजिए बिकॉज वो गलत है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि पीएन जंक्शन अगर है डायोड में से कहाँ व्यवहार नहीं किया जा सकता, तो व्यवहार नहीं किया जा सकता आइसोलेटर में। उसके बाद दो इनपुट ओआर गेट को डिज़ाइन करने में कितने दो इनपुट एनएनडी गेटों की आवश्यकता होगी, तो वो होगा आपके 3। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर बात करें तो उसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन 1 आएगा। मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको मैं ऑन कैमरा मैं आपको बताऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें तो कह रहे कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जी यूजिंग साइक्लोरोटॉन, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आफ्टर इट वी हैव टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज 96। ये भी एक न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि आदर्श गैस की किसी प्रक्रिया में डी डब्ल्यू का जो वैल्यू है 0 और डी थीटा जो है कि लेस देन 0, तो गैस की प्रक्रिया के उपरांत क्या होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का। तो यहाँ पे एक फार्मूला है और उस फार्मूले के लिए पूरा माहौल बनाया गया है इस क्वेश्चन में। जो फार्मूला है वो फार्मूला आपका है 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इसका जो ऑप्शन 3 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि किसी समय में एक रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो एक्टिविटी से, ये क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, हमने आज टोटल बीएड का 100 क्वेश्चन क्लियर किया है। आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि इस क्वेश्चन, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन को बताने के साथ साथ ही उसके आंसर्स को भी बताए हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें और क्वेश्चंस को ज़रूर से तैयार कर लीजिए ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको फ़ायदा मिले। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।